Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Welcome to Amul's page. आप सबका स्वागत है. मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहूंगी. मेरा नाम है गायत्री रतन फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र और आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पारसी मावा केक की रेसिपी. तो आज हम मावा केक बना रहे हैं. सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी. तो चलिए इसे शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो हम मावा बना लेंगे. मावा केक के लिए अगर आपको मावा अवेलेबल है, अमूल का मावा खोया हर जगह अवेलेबल है, लेकिन बाय चांस अगर आपको नहीं मिले या आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है और आपको मावा केक बनाना है, तो मैं आपको बता दूं कि इनिशियल स्टेज पे हम पहले मावा कैसे बनाएंगे और फिर उससे हम केक बनाएंगे. हेलो ईशा जी. हेलो हेलो एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. तो पहले हम मावा बना लेते हैं जल्दी से. आई होप यू ऑल कैन सी आई एम प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल. प्लीज एक यस कर दीजिए अगर आपको मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ और विजिबल हूँ. अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और क्लियरली देख पा रहे हैं तो एक यस या थम्स अप कर दीजिए. आई गेस सब देख पा रहे हैं. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम मावा बना लेंगे. यहाँ पे मैं यह गैस फ्लेम को पहले बंद रखूंगी और सबसे पहले मैं ले रही हूँ अमूल का घी. ठीक है, ये करीब एक टेबलस्पून लूंगी मैं. तो एक टेबलस्पून मैं घी डाल रही हूँ पैन में. बनाने के लिए यूजुअली हम दूध यूज करते हैं, बट आज मैं यूज करूंगी अमूल की फ्रेश क्रीम. आप फ्रेश क्रीम से मावा बनाएंगे तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. जो आपका मावा है वो ज्यादा रिच बनेगा. तो ये मैं लूंगी 1/4 का.
तो यहाँ 1/4 कप का मेजरिंग ले रही हूँ मैं, ये देखिए 1/4 कप ही क्रीम ले ली है मैंने, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अभी इसमें हम डालेंगे अमूल्या का, हमारा अमूल का मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने अमूल का, जो हमारा अमूल्या का मिल्क पाउडर है, वो निकाल के रखा हुआ है। ये 1/2 कप है, तो इसका प्रपोजन ये है कि पहले आपको 1 टेबलस्पून घी लेना है, उसमें मैंने 1/4 कप फ्रेश क्रीम डाली है और 1/2 कप मैं ये मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। और सबसे पहले अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह की गुठलियां ना रहे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क या क्रीम और डाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको पहले एक ऐसे लम फ्री लिक्विड जैसा बनाना है। तो देखिए इसका मैंने एक मिक्सचर ऑलरेडी रेडी किया है, लेकिन ये मिक्सचर अभी थोड़ा गाढ़ा है क्योंकि हमने क्रीम यूज की है, हमने क्रीम यूज की है। तो अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि ये अच्छे तरह से पैन में रोटेट भी होना चाहिए। तो यहां मैं अमूल गोल्ड यूज कर रही हूं, ये फुल फैट मिल्क है। पहले मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी, 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल देते हैं इसमें, और इसे अब मिक्स करके देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को, थोड़ा सा हम स्मूथ कर लेंगे। आप इस तरह से फ्रेश क्रीम के साथ मावा बना के देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज कमेंट्स में डालिए, मैं सारे आपके क्वेश्चंस का कमेंट में जवाब दे दूंगी, या अभी देख पाई साथ साथ में तो मैं जवाब देती जाऊंगी। अब ये लम्प फ्री मिक्स हो गया है, तो हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसका इसे पकाएंगे। हेलो हेलो एवरीवन। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल पे भी देखिए, क्योंकि मैं एक बेकर हूँ और मैं बेकिंग और कुकिंग के क्लासेस लेती हूँ मुंबई में, साथ ही में मैं मेरा YouTube चैनल है, मेरा Facebook पेज है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, इंस्टा आईडी है, तो आपको वहां पे बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी, तो आप जरूर मेरा चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैं यहाँ पे आज अपने पेज का लिंक ऐड कर रही हूँ, पिन कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये सेशन खत्म होते ही 4:30 बजे आपको मेरे पेज पे यानी गायत्री कुकिंग क्लब के पेज पे लाइव आइसक्रीम का सेशन मिलेगा। अगर आप आइसक्रीम सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे पेज पे जरूर आए, अमूल का सेशन खत्म होने के बाद 4:30 बजे मेरे पेज पे मैं लाइव आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ। 2 फ्लेवर्स सिखाऊंगी विथ नेचुरल प्रोफेशनल बेस। तो मैं यहाँ अपना ये मावा बनाने के बाद अपना पेज का लिंक पिन कर देती हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन करें, मुझे बड़ी खुशी होगी, और मेरे पेज पे लाइव सेशन के साथ साथ सरप्राइजेस भी होते हैं, हम कुछ गिफ्ट्स भी अनाउंस करते हैं। तो देखिए इस वक्त ये पहले थोड़ा लिक्विड होगा और फिर बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, लेकिन हमें इसे लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मिल्क पाउडर है यानी कि डेरी वाइटनर है, तो
वो पैन में चिपक सकता है। हेलो हेलो लक्ष्मी जी, तो इट विल बी ग्रेट अगर आप मेरा जो नेक्स्ट सेशन है आइसक्रीम का उसे भी ज्वाइन करें। मेरे YouTube चैनल गायत्री कुकिंग क्लब को भी सब्सक्राइब करें। तो ये करीब 1.5 से 2 मिनट में ही देखिए गाढ़ा होने लगा है। खट्टा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर का मावा बनता है फ्रेश क्रीम से और अपने अमूल के डेयरी वाइटनर से। ये देखिए इस वक्त ये खट्टा होने लगा है। अब इसमें मैं आधा टेबलस्पून घी और ऐड करूंगी तो हमारा मावा जो है बहुत अच्छा बढ़िया रिच बनेगा। साथ ही में ये पैन में भी अच्छी तरह से देखिए अब रोटेट होने लगा है, पैन छोड़ने लगा है। तो ये इस वक्त हमारा मावा रेडी है। इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें सॉफ्ट मावा चाहिए, हमें बिल्कुल हार्ड मावा नहीं चाहिए। इसको अब मैं निकाल लूंगी एक बाउल में और ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम हमारे केक का प्रोसेस कर लेंगे। तो ये मावा हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए इसे मैं अब पैन में निकाल रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे अपने जो मेरा पेज है उसका लिंक मैं पिन कर रही हूँ। तो आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के बाद 4:30 बजे अगर आपको लाइव आइसक्रीम सेशन फ्री देखना है। तो सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, ठीक है ये मैंने मेजर करके रखा है। मेरा जो मेजरिंग कप है वो 250 ml का है। तो आपको कोई भी मेजरिंग कप फिक्स करना है, अगर आपका 200 ml का है, 240 ml का है या 250 ml का है, आपको उसी मेजरिंग कप के हिसाब से करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये मैं इसमें ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। आपको हमेशा बेकिंग पाउडर इस तरह से लेवल करके लेना है, कट करके ओवर हीट करके नहीं लेना है। और जब भी आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज करें सबसे पहले उसका ढक्कन बंद करें, नहीं तो उसका एक्टिवेशन प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है। 1/2 teaspoon में डालूंगी बेकिंग सोडा। आपके कोई भी क्वेरीज है प्लीज आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो जया, हेलो वीना जी। सुनीता जी आपको आइसक्रीम सीखना है तो मैंने देखिए यहाँ पे अपने फेसबुक पेज कमेंट में लिंक जो है वो पिन किया है।
आप 4:30 बजे उस लिंक से ज्वाइन कीजिए, या तो मेरा फेसबुक पेज है गायत्री कुकिंग क्लब, वो ज्वाइन कीजिए, आप 4:30 बजे आइसक्रीम का सेशन देख सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, देखिए लेवल 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इसे हम अब छान लेंगे। इसको हम छान के इस बाउल में निकाल लेंगे। बाउल छोटा है, इन्हें ग्रे बाउल थोड़ा सा छोटा है, यूज अ बिगर बाउल नहीं तो मेसी हो जाएगा सब कुछ। इसे छान लेते हैं। कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए। इसे हमने छान लिया है। और साथ ही में यहां जो थोड़ा सा बैटर गिरा है उसमें मैं डाल रही हूं ये ड्राई फ्रूट्स, बादाम और पिस्ता मैंने चॉप करके रखे हैं। ये करीब 1/4 कप है, इनमें मैं इन्हें कोट कर लूंगी सो दैट ये हमारे केक में नीचे जाके सिंक नहीं करेंगे, यानी कि जब हम केक बनाएंगे तो ये नीचे जाके नहीं बैठेंगे। तो इसका जो एक्सेस है वो भी हम इसमें इस तरह से निकाल लेंगे और इनको यहाँ हम रेडी रखेंगे। नीलम गर्ग इज आस्किंग क्या बन रहा है। नीलम जी मैं बना रही हूँ पारसी मावा केक। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है, हमारा मावा रेडी है। अब चलते हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं लूंगी 1/2 कप बटर। तो यहाँ सॉफ्ट बटर लेना है हमें। सारी चीजें आप जो भी यूज करेंगे, प्लीज एक टिप है कि आप उन्हें रूम टेम्परेचर पे यूज करें, कोई भी चीज ठंडी यूज नहीं करनी है। तो मैं यहाँ अमूल का बटर यूज कर रही हूँ। ये जो 100 ग्राम्स का बटर है ये लगभग 1/2 कप है। तो ये सारा यूज करूंगी मैं। अगर हम इसे मेजर करें, मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ, ये ऑलमोस्ट 1/2 कप है बटर। तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि अगली बार अगर आपको 1/2 कप बटर लेना है तो वो सॉफ्ट बटर कितना होता है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये अमूल का बटर, अमूल के प्रोडक्ट्स तो वैसे ही बड़े रिच हैं, एक्सेस में डाला है मैंने। और ये देखिए, ये लेवल करके 1/2 कप बटर होता है। तो आप अगर 100 ग्राम का पूरा स्लैब लेंगे तो भी परफेक्ट ही रहेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है। ये सॉफ्ट बटर ले लिया हमने। अब नेक्स्ट हम इसमें ये लेंगे हमारा कंडेंस्ड मिल्क, अमूल का मिठाई में। थैंक यू। तो ये 200 ml का जो है ये यूज कर रही हूं मैं, ठीक है। ये पूरा जाएगा इसमें। अमूल के प्रोडक्ट्स
वैसे ही इतने रिच हैं, इतने क्रीमी हैं। देखिए तो ये डालेंगे हम। अब क्या करना है, हम इन्हें पहले अच्छी तरह से बीट करेंगे। बटर और कंडेंस मिल्क को हमें अच्छी तरह से क्रीम करना है, इसे क्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज विस्क इसके लिए यूज कर रही हूँ, सो दैट सबके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप विस्क से भी बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। मैं आज बना रही हूँ पारसी मावा केक। तो ये देखिए इस तरह से ये एक अच्छा सा बैटर, फ्री फ्लोइंग बैटर बन चुका है। इसे हल्का सा बीट कर लेंगे हम। तो ये हमने बीट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही कर्ड, क्योंकि हम एगलेस बना रहे हैं। अगर आप एग यूज करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे दो अंडे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एगलेस बना रहे हैं तो मैं 1/4 कप के करीब दही यूज करूंगी। ये देखिए मैंने दही भी अमूल का यूज किया है, अमूल प्रीमियम का थिक कर्ड। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि आपका जो दही है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही यूज करें। तो 1/4 कप हम इसमें दही डाल। इसे भी अच्छी तरह से बीट करेंगे। बीट भी करना है हमें, इसे अच्छी तरह से विस्क करना है। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमने एक ही डायरेक्शन में इसे विस्क करना है। कृतिका जी, आई हैव टेकन हाफ कप ऑफ रूम टेम्परेचर बटर, अमूल बटर जो कि है 100 ग्राम्स। उसके साथ मैंने लिया है एक 200 ml का हमारा अमूल का मिठाई मेट। और अब मैंने ऐड किया है 1/4 कप फ्रेश कर्ड। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर एंड 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा। इनको मैंने छान के अलग से रख लिया है। बेला जी, आपको चॉकलेट केक की रेसिपी मेरे पेज पे मिल जाएगी। मैंने पेज का लिंक जो है यहाँ पे पिन किया है, वहां पे आपको मेरे चॉकलेट टी टाइम केक की रेसिपी मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको मेरे YouTube चैनल पे भी बहुत सारे केक्स की रेसिपी मिलेगी, आइसक्रीम्स की मिलेगी। और आज शाम को 4:30 बजे अगर आप मेरे इस पेज को ज्वाइन करते हैं तो आज मैं लाइव आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ, तो आप वो सेशन भी देख सकते हैं। मोस्ट वेलकम कृतिका जी। तो ये कि हमारा जो ये बैटर है कितना क्रीमी हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मावा। उससे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon इलायची है यहाँ पे, जिसके मैंने दाने निकाले हैं और उसको मैंने फूट लिया है, तो ये इलायची डाल रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इलायची का एसेंस अवेलेबल है मार्केट में, कार्डमम एसेंस, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये पूरे जो लिक्विड बैटर है हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ ये इलायची पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप, बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 teaspoon, दैट इज 1 teaspoon, एंड बेकिंग सोडा इज 1/2 teaspoon। तो ये देखिए ये मिक्स
हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मावा एसेंस। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम मावा ऑलरेडी बना चुके हैं, बट एक मावा एसेंस से एक अलग सी रिच खुशबू आती है। लेकिन ये सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स डालना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इलायची का जो खुशबू है, इलायची की जो खुशबू है वो इस एसेंस की वजह से सबसाइड हो जाए। तो 2-3 ड्रॉप्स ही मावा एसेंस मैंने डाला है। और अब बारी आती है इसमें हमारा जो मावा हमने बनाया है फ्रेश, देखिए ठंडा होना चाहिए, ये इस वक्त थोड़ा सा लुकवॉर्म है, इसमें हल्का सा ठंडा कर देती हूँ, थोड़ा फैन चला, फैन चला दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, इसे लुकवॉर्म से भी ज्यादा ठंडा है ये, इसे 2-3 मिनट लगेंगे ठंडा होने में, तब तक मैं अपना ओवन प्रीहीट करने रखती हूँ। मैंने अपना ओवन रख दिया है प्रीहीट होने, yes, you can use ready mawa, 50 grams of mawa is will be sufficient for this recipe. ये देखिए ये बिल्कुल ही बढ़िया टेक्सचर का सॉफ्ट मावा तैयार है, आई होप आप सब देख सकते हैं। तो इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हार्ड हो गया होता तो हमें उसे क्रम्बल करना पड़ता, बट हमारा मावा जो है वो ऑलरेडी बढ़िया सॉफ्ट है। अगर आप इसे और थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये हल्का सा हार्ड हो जाएगा, फिर आपको इसे क्रम्बल करके डालना पड़ेगा। 50 ग्राम्स ऑफ रेडीमेड मावा, इफ यू आर यूजिंग रेडीमेड मावा तो आपको 50 ग्राम्स मावा यूज करना है। तो अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे इस बैटर में, और मैं थोड़ा सा मिल्क ले लेती हूँ अभी, क्योंकि हमें इसको करेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए मिल्क भी चाहिए। तो यहाँ मैं अमूल गोल्ड का ही मिल्क यूज करूंगी, पहले मैं आधा कप मिल्क ले लूंगी, फिर जितना जरूरत पड़ेगा हम और ले लेंगे। या मैं ऑलमोस्ट 1 कप मिल्क निकाल लेती हूँ, क्योंकि मिल्क की जो क्वांटिटी है वो आपके फ्लावर यानी कि मैदे पे भी डिपेंड करती है कि आपका मैदा जो है कितना मिल्क सोक करेगा, कितना लिक्विड सोक करेगा। मोस्ट वेलकम जया। तो देखिए मैं इसमें मावा अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ अभी, हमें लंप फ्री बैटर चाहिए। और इसे बहुत ही हल्के हाथों से हम कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करेंगे।
यू राम अवतार जी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर आप लाइव आइसक्रीम का सेशन देखना चाहते हैं, लाइव आइसक्रीम सीखना चाहते हैं, तो 4:30 आज शाम को 4:30 बजे मेरे पेज पे आप ज्वाइन करें। गायत्री कुकिंग क्लब मेरा पेज है, लिंक मैंने यहाँ कमेंट में पिन किया है। तो आपको लाइव आइसक्रीम कैसे बनाते हैं नेचुरल लेकिन प्रोफेशनल तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं सिखाने वाली हूँ। साथ ही में हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उनके लिए मैं कोई ना कोई गिफ्ट्स भी हम रखते हैं। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है, अब इसमें और जो बचा हुआ हमारा मैदा है वो ऐड कर देंगे। दो बैचेस में अपना हमारा जो फ्लावर है उसे ऐड किया है। और अब बारी आती है थोड़ा थोड़ा मिल्क डालने की। ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको क्रीम केक्स पसंद नहीं है तो आप यकीन मानिए आप ये केक बना के देखिए, आप इसके फैन हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। इसे कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। इस तरह से रोटेट करके बीच से कट करना, फिर मिक्स करना, फिर बीच से कट करना, इस तरह से। हमने मावा डाला है, कंडेंस्ड मिल्क है, तो ये बैटर काफी हैवी हो जाता है, डेंस हो जाता है। तो इसे एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी देने के लिए हमें इसमें दूध डालना ही पड़ता है। लेकिन इसका भी बैटर है वो तो बहुत ज्यादा फ्री फ्लोइंग नहीं होता, थोड़ा थिक ही होता है। जैसे हमारा प्लम केक का बैटर थिक होता है उसी तरह से इसका बैटर भी थिक होता है। यूजुअली जो हमारे स्पॉन्ज केक होते हैं या हमारे दूसरे केक्स होते हैं उनका बैटर जो होता है विद इन कंसिस्टेंसी या फ्री फ्लोइंग होता है, इसका जो बैटर होता है वो थोड़ा थिक ही होता है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है प्लीज आप कमेंट में डाल दीजिए। और सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये देखिए इससे ज्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थिक बैटर ही बनता है। तो यहाँ मैंने 250 ml का जो मेरा कप है उसमें 1 कप मिल्क लिया था जिसमें करीब 1.5 टेबलस्पून मिल्क जो है बच गया है। तो अब हम हमारा टिन रेडी कर लेते हैं। टिन दे दो। तो यहाँ मैंने मेरा टिन ले लिया है और मेरा जो टिन है ये 7 inches का है। तो आप इसे 7 या 8 inches में बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा टिन है
तो भी चलेगा, सिर्फ आपके केक की जो हाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इससे छोटा टिन मत लीजिएगा क्योंकि फिर वो राइज होगा तो उसे अच्छी जगह नहीं मिलेगी फूलने के लिए। तो इसे मैं पहले थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, आप बटर से भी कर सकते हैं। और इसमें अब मैं ये जो बटर पेपर है मेरे पास, पार्चमेंट पेपर है, बेकिंग पेपर, उसे लगा रही हूँ। इससे जो है हमारे केक की डीमोल्डिंग बहुत आसान हो जाती है। साथ ही मैं इसके अंदर भी ये शीट लगा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि ये जो केक्स होते हैं इस तरह से, ये डेंस बैटर वाले कभी कभी ज्यादा राइज करते हैं और हमारा टिन जो है वो छोटा होता है। तो होता ये है कि ये इन्हें स्पेस नहीं मिलता राइस होने के लिए और ये फट सकते हैं, या ओवर आपका जो बैटर है वो टिन में से ओवरफ्लो हो सकता है। तो इसीलिए टू बी ऑन द सेफर साइड हमेशा इस तरह का एक बेकिंग पेपर आप अपने टिन में लगाएं, ताकि अगर वो इस टिन के हाइट से भी राइज हो तो इतनी स्पेस है उसके पास राइज होने के लिए। इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे हम टिन में। ये देखिए टिन हमारा रेडी है, अब इसमें हम हमारा जो बैटर है वो डालेंगे। तो ये जो हमारा बैटर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बैटर हमारा थोड़ा और थिक लग रहा है तो मैं एक चम्मच दूध और डाल रही हूँ इसमें। मैंने आपसे कहा ना, जो हमारा मैदा होता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका मैदा अच्छी क्वालिटी का हो और फ्रेश हो तो वो मॉइस्चर अपने हिसाब से सोक करता है। अगर आपका मैदा पुराना हो या लोकल मार्केट से लिया हो तो वो अपने हिसाब से जो लिक्विड है वो सोक करता है। कभी कभी कोई मैदा ज़्यादा सोक करता है, कभी कोई कम करता है। तो अब हम ये बैटर को इस टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस बैटर पेपर की इतनी हाइट है इसलिए मैं इस तरह से इसे पहले थोड़ा सा डालूंगी और फिर मैं बाउल से इसको फैलाऊंगी, पूरा कोर करूंगी। और साथ ही मैं आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अच्छी तरह से फैलाते जाएं, एक जगह इकट्ठा नहीं होने दें इसे तेल में, क्योंकि ये बैटर जो है काफी थिक होता है। मैंने एक बना के भी रखा हुआ है केक, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी क्योंकि लाइव सेशन है। और ऐसे केक्स जो होते हैं जिनका बैटर थिक होता है, जो थोड़े डेंस होते हैं, इनको बेकिंग में भी टाइम ज्यादा लगता है, 45 टू 50 मिनट्स लग जाते हैं। और अगर आप कुकर या कढ़ाई में करते हो तो ऑलमोस्ट कभी कभी एक घंटा भी लग जाता है। इसलिए मैंने एक केक जो है ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये केक जब हमारा ओवन में जाएगा तो मैं आपको वो केक दिखाऊंगी। इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप फिर मुझसे मिलना चाहते हैं तो 4:30 बजे मेरे पेज पे जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां आपको मैं आइसक्रीम्स दो तरह की सिखाऊंगी,
तो ये देखिए यहाँ पे हमने बैटर जो है फिल कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा क्रैक करेंगे, अच्छी तरह से इसे क्रैक करें, क्योंकि ये जो बैटर है थिक है तो इसके एयर बबल्स निकलने चाहिए। इसे टैप करने के बाद अब जो ये बादाम और पिस्ता हमने अलग रखे थे ये हम इसके ऊपर फैला देंगे। आपको अगर पसंद हो तो इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं और आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में सिर्फ ये ड्राई फ्रूट ही जाता है, टूटी फ्रूटी नहीं जाता। बट कभी कभी बच्चों को पसंद होता है तो हम मदर्स को डालना पड़ता है, तो आप डाल सकते हैं। और हल्का सा मैं इन ड्राई फ्रूट्स को टैप कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से केक पे बैठ जाए। बहुत ही हल्का सा, दबाना नहीं है बैटर में, जस्ट टैप करना है। तो ये देखिए ये हमारा जो बैटर है शो है। रेडी है, इसे अब मैं डाल रही हूँ ओवन में। अच्छा, मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट किया है और अब मैं इसे बेक करूंगी मेरे ओवन के हिसाब से 160 डिग्री पे 45 मिनट्स का मैं टाइमर लगाऊंगी, क्योंकि स्लो बेकिंग ऐसे केक्स के लिए स्लो बेकिंग ही अच्छा है। और 30 मिनट्स के बाद मैं इसे चेक करूंगी कि इसमें कितनी कसर है। तो अब मैं इसे ओवन में बेक करने डालूंगी 160 डिग्रीज पे 45 मिनट्स। आप अपने ओवन के हिसाब से, आपके ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि हमेशा टेम्परेचर लो रखें, भले टाइम ज़्यादा लगे लेकिन आपकी इवन बेकिंग होगी और आपका केक जो है वो डेंस नहीं बनेगा और आपका केक जो है अच्छी तरह से बेक होगा। मैं इसे ओवन में डाल के आती हूँ। मैंने अपना जो केक है वो ओवन में डाल दिया है 150 डिग्री सेल्सियस पे बेक हो रहा है। और यहाँ हमारा जो केक है जो मैंने ऑलरेडी बेक करके रखा है, देखिए बिल्कुल रेडी है। ये इस तरह से आपका केक बनेगा। आई होप आप देख सकते हैं। आपका केक जो है बनके रेडी होगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैं अब आपको ये केक कट करके भी दिखा देती हूँ इसकी सॉफ्टनेस। Made this cake, but this will be around 1 kg, must be around 800 grams, not less than
750 टू 800 ग्राम्स। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं और देखिए कितना सॉफ्ट है ये केक। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है तो इसकी स्लाइस अच्छे से निकलनी चाहिए। ये देखिए इसका स्पॉन्ज देखिए आप इतना सॉफ्ट है। सी एंड यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द केक। यहां से देखिए केक आपका बनेगा। आई होप आपको पसंद आ रहा है। रुचि जी फॉर सेलिंग प्राइस देखिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट योर इंग्रेडिएंट्स अमाउंट। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं आपको उनकी कॉस्टिंग निकालनी है एंड यू नो कितना मतलब आप अमूल के प्रोडक्ट्स ऑफकोर्स यूज करेंगे तो जो उनका कॉस्टिंग है वो आपको निकालना है। आपके ड्राई फ्रूट्स की कॉस्टिंग निकालनी है। आप ओवन में उसे कितनी देर बेक करेंगे कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो तो खैर अंदाजन ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। प्लस आपकी मेहनत वो सब कैलकुलेट करके आप इसका सेलिंग प्राइस जो है फिक्स कर सकते हैं। मोर ओवर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच एरिया यू स्टे आई मीन विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर स्टेइंग वहां पे क्या रेंज है ऐसे केक्स की वो भी आपको सर्वे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और मैं फिर एक बार आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आके यहाँ पे आज अपनी ये रेसिपी शेयर कर पाई। और साथ ही में मैं आप सबसे कहना चाहूंगी 4:30 बजे अभी आफ्टर सम टाइम एट 4:30 मेरे पेज पे मैं लाइव आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ प्रोफेशनल नेचुरल आइसक्रीम। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में अपने पेज का लिंक पोस्ट किया है पिन किया है। यू प्लीज विजिट दैट पेज फॉलो दैट पेज एंड 4:30 यू कैन सी मी देयर अगेन। सो इट वॉज लवली शेयरिंग दिस रेसिपी। बहुत ही प्यारा केक बना है एंड आई कांट वेट टू टेस्ट इट। बाद में टेस्ट करूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फेयर विद ऑल ऑफ यू। आप सब इसे ट्राई करें और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो प्लीज आप मुझे टैग करें। आप मुझे इंस्टा पे टैग करें गायत्री कुकिंग क्लब इज माई आई डी। पोस्ट द पिक्चर्स ऑन मैसेंजर। आप मैसेंजर पे मुझे पिक्चर्स भेज सकते हैं एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। And kindly follow my page and also my YouTube channel by the name of Gayatri's Cooking Club. वहाँ पे आपको बहुत सारे interesting recipes मिलेंगी, cakes की मिलेंगी, icing की मिलेंगी। जो मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं baker हूँ, professional baker हूँ, साथ ही मैं baking और cooking के classes भी लेती हूँ। तो वहाँ भी आपको cakes, ice creams की recipes कुछ मिलेंगी और बहुत बढ़िया-बढ़िया recipes मिलेंगी। तो do subscribe and support me. And thank you once again for joining and thank you Amul.